जैसे रामायण में कहा संत मिलन सम सुख जगदाई, पवित्र गुरुवाणी के शब्द सुनिया, ना सुख विच गृहस्थ दे ना सुख छट गया, सुख है विच विचार दे संता शरण पाया। ना सुख विच गृहस्थ दे, अगर कोई कहे ग्रस्त में ही सुख है तो सारे ग्रस्ती सुखी हैं क्या? ग्रस्त में सुख नहीं है तो सब बाबा जी बन जाए? बोले सारे बाबा जी भी सुखी नहीं है। ना सुख छट गया, घर बार छोड़ के जाने में भी सुख, जितने बाबा ने उन्होंने पाल लिए शायद घर से भी ज्यादा। अरे बोल, और जोर से बोल, जोर से बोल। मैंने भारत की पदयात्रा ईश्वर की कृपा से की, गुरु महाराज के आशीर्वाद से की। 1982, 1983 और 1984, 1982, 83, 84 पौने तीन वर्ष भारत की पदयात्रा की थी ईश्वर की कृपा से मैंने, और उस दौरान हिमालय में भी गया, बहुत कुछ पाया मैंने उस पदयात्रा से, अपने भारत को करीब से देखने से। लेकिन इससे संबंधित हिमालय की ऊंचाइयों पर हम जा रहे थे, काफी लोग मेरे साथ हरि बोल करते हुए जा रहे थे। तब तक हिमालय में पूरे नाम हो चुका था, कोई संत आए हुए हैं, 22,500 फीट की हाइट तक रहा हूं मैं बिना किसी साधन। वहां पर जब आगे जा रहे थे तो हमने क्या देखा, जिनको संत कहते हैं आप लोग, वो दो संत आपस में लड़ रहे थे और लहू लुहान हो पड़े थे। हरि बोल, जोर से बोल रहा, लहू लुहान खून निकला पड़ा है और हमें देखते ही वो एक दूसरे से अलग हुए। महाराज जी प्रणाम, महाराज जी प्रणाम, पहचानते थे सब हिमालय में। मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा आप लोग लड़ क्यों रहे? नहीं, आप बताइए ना प्लीज, आप लड़ क्यों रहे हो? लोग सोचते हिमालय में योगी लोग रहते हैं, तपस्वी लोग रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं, आप यहां रहकर के भी लड़ रहे हो, ऐसा क्यों? जो उत्तर उनका सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। मैं उन ऋषियों को प्रणाम करता हूं, संतों को प्रणाम करता हूं, महापुरुषों को प्रणाम करता हूं, तपस्वियों को प्रणाम करता हूं, भक्तों को प्रणाम करता हूं, लेकिन ऐसा दृश्य भी देखा। महाराज जी इस गुफा में पिछले साल मैं रहा था, बर्फ जब गिरी मैं नीचे चला गया, मैंने इसको साफ सुथरा किया, लकड़ी का दरवाजा चढ़ाया, और इस बार जब लौट के आए इसने कब्जा किया हुआ है। वो गुफाएं वहां पर हजारों हैं, जिनका कोई किराया नहीं देना, जिनकी कोई कीमत नहीं चुकानी, उनके लिए कौन लड़ रहे हैं? जिन्होंने घर छोड़ा, बार छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, लेकिन अपने मन को छोड़ के तो नहीं आए। कहां जाएंगे? थोड़ा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन मन कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार, सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार, मन से कोई बात छुपे ना, मन के नयन हजार, मन से कोई बात छुपे ना, मन के नयन हजार, जग से कोई से कोई भाग ले चाहे, मन से भाग ना पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।
पूरा नहीं सुना रहा। जग से कोई भाग ले चाहे पर मन से भाग न पाए। हमने दुनिया छोड़ दी तो कहां रह रहा है हमारे, वो दुनिया में नहीं है क्या? हरी बोल रहा, जंगलों में रह रहा वो दुनिया में नहीं है क्या? चल मान लेते तूने दुनिया छोड़ दी पर मन तो वहां भी साथ जाएगा, पर मन में अगर करुषता है, विकार है, विकृतियां हैं, वो भी साथ जाएंगी तो उस शांत वातावरण को भी अशांत करके रख देंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। ना सुख विच ग्रस्त रहे, अगर ग्रस्त में सुख होता तो सारी सुखी होती, दुखी क्यों है? इतने दुखी है कि कई बार तो ढोंग और पाखंड की चौखटों पर नाक रगड़ने को मजबूर हो जाते हैं, शायद यहां से ठीक हो जाए, शायद यहां से ठीक हो जाए, शायद यहां से। ये समोसे खा लो कृपा आ जाएगी, गोलगप्पे खा लो। हरी बोलना, ढोंग पाखंड जानता है फिर भी चौखटों पर नाक रगड़ने को तैयार हो जाता है। हर कोई सुखी नहीं है, तो घर बार जो छोड़ के चले वो सुखी है, वो भी सुखी नहीं है, तो सुखी कौन है फिर? जो जो सुखी होना चाहते हो हाथ उठाओ ना, जो सुखी होना चाहते हैं है? मैं तो परम सुखी हूं लेकिन फिर भी आपके साथ हाथ, क्योंकि आपका लाठी वाला भैया हूं ना, दोनों हाथ उठा देता हूं। हरी बोल रहा, जोर से बोल। हर आदमी सुख चाहता है, किसको मिलेगा सुख? ना सुख विच गृहस्त दे, ना सुख छट गया तो भी कहां है सुख? है विच विचार दे संता शरण पाया। सुख तो विचार में है, विचार पूर्वक जियोगे तो सुखी रहोगे, और विचार कहां मिलेगा? वो संतों की शरण में मिलेगा, और कहां मिलेगा? वो विचार हमारी अंदर की अच्छाइयों को जागृत करेगा, हमारी देवी संपदाओं का विकास करेगा, हमारी बुद्धि का विकास करेगा, हमारे अंदर विवेक, बिन सत्संग विवेक ना हो। और चीजें कहीं भी मिल जाएंगी लेकिन ये हर जगह नहीं मिलेगी, वो यही मिलेगी आपको। हरी बोल रहा, पांच चीजों के लिए चैलेंज करके कहा है, और मैं आपसे भी कह रहा, मैं कोई कथा नहीं करता कभी, और यही कारण है कि हर वर्ग के लोग सुनते हैं, हर समुदाय के लोग सुनते हैं। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, हमारे महापुरुषों ने कहा पांच चीजों के लिए आप प्रयास करो, कहीं और नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगी तो यहीं पर मिलेंगी, चाहे दुनिया भटक लेना। हरी बोल, वो पांच चीजें क्या है? मत की रति गति भूति भलाई। ये मति, कोई भी संत, कोई भी महापुरुष अगर सामूहिक रूप से मौका मिले, सबको आशीर्वाद दो, क्या कहेगा? सबको गाड़ियां मिल जाए, सबको बंगला मिल जाए, सबकी नौकरियां लग जाए, सबकी शादियां हो जाए, सबके बच्चे हो जाए, सबको ये हो जाए, कहेगा? कभी हो ही नहीं सकता। मैं तो नहीं कहूंगा, मैं उसका जड़ में जाऊंगा जो हमारे महापुरुषों ने कहा था। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो ना सारे, कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राज दुलारे राम रघुपति राघव। सारे बोलो, पतित पावन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम,
सबको ईश्वर अल्लाह सबको सन्मति दे। सबको गाड़ियां दे दो तो नहीं कहा, बंगले दे दो तो नहीं कहा, संतान दे दो तो नहीं कहा, रोजगार दे दो तो नहीं कहा, सबको सन्मति दे भगवान। हे परमात्मा सबको सन्मति देना, सद्विचार देना, इनके विवेक को जागृत करना, इनको ज्ञान देना, ये अपने आप सुखी हो जाएंगे, सब कुछ पा जाएगा। अगर विचार नहीं है, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो सब कुछ पा करके भी कुछ नहीं पाया, बर्बाद कर दोगे उसे, याद रखना, उसको भी बर्बाद कर दोगे, खुद भी बर्बाद हो जाओगे। हमारे अंदर सब कुछ है, फिर सत्संग की क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है। मेरे को याद है मैंने एक उदाहरण सुनाया था, ये मेरी कल्पना नहीं भावना थी, वो मैं कहीं जा रहा हूं और रास्ते में एक देवी मिली, जैसे हमारे महिला सशक्तिकरण का एक महान अभियान चल रहा है और आगे बढ़कर के अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास जो हमारी बेटी कर रही है, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। नाम भी है विद्या, हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो हरि बोल। एक देवी मेरी रास्ते, महाराज जी प्रणाम, सुखी रहो। मैंने कहा बेटा आपका नाम क्या है, बड़े ध्यान से सुनिए, जो लोग नियमित सुनते हैं हो सकता है कभी मेरे मुंह से सुना हो, ये उदाहरण। महाराज जी मेरा नाम है बुद्धि, बेटी कहां रहती हो? लो महाराज जी सारी दुनिया में आपका नाम है, आपको नहीं पता मैं कहां रहती हूं? ना बेटी बता दो ना कहां रहती हो, वे सबके दिमाग में रहती हो। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो हरि बोल, सबके दिमाग में रहती है। बहुत अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैं थोड़ा आगे गया, एक भाई मिले हमारे, उन्होंने भी प्रणाम किया और प्रणाम ऐसे लगा जैसे लट मार रहे हो, हरे प्रणाम, सुखी रहो बेटा, हरि बोल, हरि बोल। मैंने कहा भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम है क्रोध। क्या नाम है? जोर से बोलो क्रोध। क्या नाम है? क्रोध। इससे से सभी वाकिफ होंगे, थोड़ा 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 अरे बोलो है, कितने घर बर्बाद हो रहे हैं इसकी वजह से, कितनी अशांति, कला कलेश, मन मुटाव, वैर विरोध, घृणा, वैमनस्यता, कटुता, संबंधों में दरार, थोड़ा थोड़ा परिचय तो सबका होगा ना। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है क्रोध। कहां रहते हो? सबके दिमाग में। मैंने कहा झूठ मत बोलो, झूठ बोलना पाप है, धरती में सांप है, झूठ मत बोलो। अरे महाराज मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं सबके दिमाग में रहता हूं। मैंने कहा अभी एक बहन जी मिली थी, वो कह रही मेरा नाम है बुद्धि, मैं सबके दिमाग में रहती हूं। बोले जब मैं आता हूं तो बुद्धि रुष्ट हो जाती है, बुद्धि रह ही नहीं सकती है, वो तो जब जोश ठंडा पड़ता है, गुस्सा नीचे आता है, तब आदमी ये मैंने क्या बोल दिया, ये मैंने क्या कर दिया। समझदार व्यक्ति कुछ करने से पहले, कुछ बोलने से पहले, कुछ व्यवहार करने से पहले, किसी से संबंध बनाने से पहले विचार करता है, इसमें सफलता मिलती है। और मूर्ख व्यक्ति कुछ कहने के बाद में, कुछ करने के बाद में, किसी से संबंध बनाने के बाद में, किसी से व्यवहार करने के बाद विचार करता है, तो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, पश्चाताप का सामना करना पड़ता है, ग्लानि का सामना करना पड़ता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, विचार की तो आवश्यकता है जीवन में। पश्चाताप ना हो, ग्लानि ना हो, शर्मिंदगी ना हो, सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली, इसके तो आप ही जानते हो, बोलते हो, बिना विचारे ना करें कुछ भी। क्या नाम है बेटी? बड़े ध्यान से सुनिए,
मेरा नाम है बुद्धि। कहां रहती हो सबके दिमाग में, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है इसमें। भाई साहब आप कहां रहते हो, बोले मेरा नाम है क्रोध, सबके दिमाग में रहता हूं। वो तो बुद्धि रहती है, मैं जब आता हूं तो बुद्धि चली जाती है, तो बाद में जब आती है तब सॉरी 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 सॉरी। हरि बोलना, जोर से बोलना। तो यहां दिमाग में बुद्धि भी है, क्रोध भी है। थोड़ा आगे गया हम, हरि बोल, थोड़ा आगे गया तो एक और बहन जी मिली, उन्होंने भी प्रणाम किया, मैंने आशीर्वाद दिया। मैंने पूछ लिया, बहन जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम है लाज शर्म है, या लज्जा कहते हैं मुझे। कहां रहती है बेटी? बोले सबकी आंखों में रहती है। लाज शर्म कहां रहती है? बोलो ना, जोर से बोलो, आंखों में। मेरा नाम है लज्जा, अनेक नामों से लोग मुझे जानते हैं, लाज शर्म हया इत्यादि। कहां रहती हो? सबकी आंखों में रहती हूं। बहुत अच्छा लगा बेटी आपसे मिलके। थोड़ा और आगे गए, एक और व्यक्ति मिले, उन्होंने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। मैंने कहा भाई साहब आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम है लालच। बोलो ना, क्या नाम है? जोर से बोलो ना। सब कहते हैं लालच बुरी बला है, पर फंस जाते हैं बीच में। यहां पर धन एक साल में दुगना हो जाएगा, बैंक से निकाल के दे दिया, उड़ गया, भाग गया वो कलेक्टर। फलाने ने हमको धोखा दिया, नहीं नहीं नहीं, तेरे लालच ने तेरे को धोखा दिया है। मेरा नाम है लालच। आप कहां रहते हो? मैं सबकी आंखों में रहता हूं महाराज जी। लालच आते ही आंखें बदलती हैं सबसे पहले। हरि बोल, जोर से बोलो। किसी भी चीज का लालच कहां आता है? सबसे पहले आंखों में आता है, याद रखना। मैंने कहा आंखों में तो लाज शर्म रहती है, लज्जा नहीं रहती है। बोले जब मैं आता हूं ना तो आदमी की लाज शर्म हया सब थक जाती है। हरि बोल। फिर मैं थोड़ा आगे गया, आगे एक और बहन जी मिली। मैंने कहा बहन जी, उसने प्रणाम किया, मैंने भी आशीर्वाद दिया। आपका नाम क्या है बहन जी? मेरा नाम है हिम्मत। हरि बोल। हिम्मत है मेरा नाम। बहन जी कहां रहती है? बोल सबके दिल में रहती हूं मैं, सबके दिल में रहती हूं। बड़ा अच्छा लगा उसे मिलकर, इतना अच्छे ढंग से बोली। उसने सिद्ध कर दिया कि नारी अगला नहीं है, ये अपनी पे आ जाए तो अच्छा छोका तबला बजा दे। हरि बोल। ये अबला नहीं, नारी सशक्तिकरण की जो बात आ रही है, ये जो अभियान चल रहे हैं शिक्षित करने का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्त, जोरदार तालियों से स्वागत है।